कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। चलिए आज आप लोगों को मैं बना के दिखाता हूँ बढ़िया इंडो चाइनीज सूप। हॉट एंड सार वेजिटेबल सूप है, बहुत ही यम्मी डिलीशियस सूप है, आपको मज़ा आ जाएगा। आप घर में भी बना सकते हैं, बहुत ईजी है। हम जब भी रेस्टोरेंट होटल्स में जाते हैं तो ज़्यादातर यही ट्राई करते हैं, तो क्यों ना घर में ट्राई किया जाए। बहुत ही ईजी रेसिपी है, आप इसको ज़रूर देखिएगा और ट्राई कीजिएगा। और वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं, इन्जॉय दिस वीडियो। इसलिए मैंने कैप्सिकम, कैबेज, ग्रीन बीन्स, कैरेट, स्प्रिंग ओनियन, मशरूम्स ऑप्शनल हैं, एंड कैरेट एंड कैबेज को मैंने जूलियंस में काट लिया है। ये जिंजर गार्लिक एंड ग्रीन चिलीज़ हैं, फाइनली चॉप कर लिया है। कॉर्नफ्लावर लिया है, ऑलिव ऑयल लिया है, विनेगर, रेड चिली, सोया सॉस, ब्लैक पेपर, रेड चिली एंड सॉल्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। लीजिए, उसमें ऑयल डाल लीजिए, वेजिटेबल्स सोते करेंगे थोड़े हम। ऑयल गर्म हो गया है, इसमें हम अपना जिंजर गार्लिक डाल देंगे, ग्रीन चिलीज जो पेस्ट है सोते करेंगे अच्छी तरह। हमारे जिंजर गार्लिक हो गए अच्छी तरह, भुन गए हैं। अब हम अपने वेजिटेबल्स डालेंगे, इनको सोते करेंगे। कैबेज, बीन्स, कैरेट, स्प्रिंग ऑनियन, कैप्सिकम, मशरूम को हम थोड़ा बाद में डालेंगे। इसको अच्छी तरह कर लेंगे हम। गैस को लो फ्लेम पे रखना। बहुत इजी सूप है और बहुत बढ़िया सूप है जो हम रेस्टोरेंट में जाके ऑर्डर करते हैं, हॉट एंड सार वेजिटेबल सूप। बहुत ही इजी वे में मैं आपको बताऊंगा। वेजिटेबल्स हमारे सोते हो गए हैं, अब इसमें हम अपने मशरूम्स डाल देंगे। मशरूम से सूप में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है, ऑप्शनल है वैसे, अगर आप डालना चाहते हैं तो आप डालिए, अगर अच्छे नहीं लगते हैं तो मत डालिए। इसमें अब हम पानी डाल देंगे, अगर आपके पास वेजिटेबल स्टॉक है तो वेजिटेबल स्टॉक डाल दीजिए। इसकी कंसिस्टेंसी देख लेना आप सूप की, ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। मीडियम थिक रहता है सूप, ये बहुत ही टेस्टी सूप है, मतलब मज़ा आ जाएगा आपको खाने में। अब इसमें हम थोड़े से इसके इंग्रेडिएंट्स डाल देते हैं। विनेगर डालते हैं थोड़ा सा खट्टेपन के लिए, सोया सॉस, बहुत ही बढ़िया कलर आता है सोया सॉस का सूप में, रेड चिली डालेंगे हम इसमें, थोड़ा सा स्पाइसी भी होता है सूप। सॉल्ट डालेंगे इसमें हम, सॉल्ट हिसाब से डालना, क्योंकि जो आपका सोया सॉस होती है उसमें भी होता है आपका सॉल्ट, और जो आपका स्वीट चिली सॉस है चिली गार्लिक वाली उसमें भी थोड़ा सॉल्ट होता है, एंड ब्लैक पेपर डालेंगे इसके अंदर। और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह, जब तक ये होता है, जब तक हम अपना कॉर्नफ्लावर स्लरी बना लेते हैं पानी का घोल। इसमें हम कॉर्नफ्लावर लेंगे, स्लरी बनाएंगे इसकी हम,
इससे क्या होता है, एक बाइंडिंग एजेंट है ये वेजिटेबल्स को पकड़ के रखेगा अच्छी तरह टाइट। पानी डाल के इसको मिक्स करेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना। जब तक एक बॉईल आता है सूप के अंदर, उसके बाद हम इसको डालेंगे। एक बॉईल आ गया है, इसके अंदर हम एक कॉर्न स्लरी हम मिक्स करेंगे, कॉर्न वाला पानी। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना क्योंकि कॉर्न नीचे बैठ जाता है। और इसको हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह। और अब इसमें एक बॉईल आने की वेट करेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया सूप बन गया है, कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी है सूप की। स्लरी के साथ ही अच्छी तरह मिक्स हो गया है, जो हमने कॉर्न वाला डाला था उसमें भी वो बॉईल आ गया है। ये आपका सूप रेडी है, अब इसको हम सर्व करेंगे। होटेंसार वेजिटेबल सूप रेडी है रेस्टोरेंट स्टाइल, इसको सर्व करेंगे हम एक बॉल के अंदर। खाइए और आप मुझे बताइए आपको ये कैसा लगा। सूप आपका रेडी है, अब इसमें थोड़ी सी हम गार्निश करेंगे चिली ऑयल की। खाइए और आप मुझे बताइए आपको ये होटेंसार वेजिटेबल सूप कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।